मात्र 1299 रुपए में स्काई बॉल ने लॉन्च किया अपना न्यू RGB साउंड बार स्पीकर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी साउंड क्वालिटी और इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। साथ ही में दोस्तों ये भी बताऊंगा क्या आपको ये स्पीकर खरीदना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पे इसे हमने अनबॉक्स कर लिया है। यहां पर आपको 16 वॉट का साउंड बार स्पीकर मिल जाता है स्काईबॉल की तरफ से, और ये एक मिनी नाम है इसका, मिनी साउंड बार नियो 20। और यहां पर आप देख सकते हैं RGB स्पीकर निकल जाता है यहां से। साथ में यहां पे एक मैनुअल गाइड और यहां पर थैंक यू का कार्ड, साथ में यहां पर एक ऑक्स वायर मिल जाती है और साथ में USB केबल मिल जाती है इस स्पीकर को चार्ज करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं स्पीकर क्वालिटी के बारे में दोस्तों। तो यहां पर आपको जो पैटर्न है इसका वो पूरा बॉक्स ही दिखाई देता है। सामने की तरफ आपको मेटल की ग्रिल दिखाई देती है और यहां पे अंदर की तरफ आपको RGB लाइट दिखाई देती है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे काम किया गया है। स्काईबॉल की ब्रांडिंग भी बीच में दिखाई गई है। नीचे की तरफ आपको प्लेन दिखाई देता है और बैक साइड में आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी गई है, जहाँ पर बताया गया कि ये मिनी साउंड बार है, साथ में नियो 20 का मॉडल नंबर है और 2000 mAh की इसकी बैटरी होती है। 16 वॉट की ट्रू साउंड देता है दोस्तों, जो कि काफी लाउड है मेरे हिसाब से, और मैंने सुना भी है। साथ ही में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए गए हैं, जैसे ऑन और ऑफ का बटन दिया गया है, ऑक्स का बटन दिया गया है, TF, USB और आप अपना पेन ड्राइव लगा सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप अपना माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, साथ में DC 5 वॉट चार्जर के साथ इसे आप चार्ज कर सकते हैं। साथ ही में ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे कंट्रोलर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। मैंने यहाँ पे बटन भी प्रेस करके देखें तो काफी अच्छी तरीके से काम करता है। अब चलिए आपको सुनाते हैं साउंड क्वालिटी और कैसे कनेक्टिविटी रहती है, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे एनालॉग कंट्रोल्स मिल जाते हैं और आपको फुल RGB पैनल भी देखने को मिल जाता है यहाँ पे लाइट का, जो कि काफी सूदिंग लगता है। अब जल्दी से साउंड सुनाता हूँ मैं आपको इस स्पीकर का। तो यहाँ से हम इसे एक बार ऑफ कर देते हैं दोस्तों। अब जैसे ही यहाँ से हम ऑन करते हैं तो देखिए, तो आपको कुछ इस टाइप से आपको सुनाई देगी आवाज। और यहाँ पर सबसे पहले ही ऑन करते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार ब्लूटूथ ऑन करके। तो ऑन करते ही दोस्तों हमारे सामने स्काईबॉल नियो 20 लिखा आ गया है और यहाँ पर ये पेयर हो गया है, ओके हो गया है, हमने ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। अब आपको म्यूजिक सुनाता हूँ डायरेक्ट। फाइनली अब हम म्यूजिक को प्ले करने वाले दोस्तों। यहाँ पे स्पीकर जो है नीचे की तरफ रखा हुआ है, मैंने मोबाइल मेरे हाथ में है, मैं प्ले करूंगा और जो मेरा माइक है वो यहाँ पर लगा हुआ है, उसको थोड़ा और क्लोज लेके जाएंगे और आपको अच्छी साउंड सुनाएंगे। आपको रिकमेंड करना चाहूंगा आप एक बार अपने हेडफोन्स लगाएं, ज्यादा क्लैरिटी के साथ ज्यादा अच्छी साउंड को आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे मेरे वीडियो के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम को मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि 16 वॉट की आउटपुट है इसकी। यहाँ वॉल्यूम मैंने फुल कर दिया है। तो आप सुन सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो साउंड है काफी अच्छी तरीके से आउटपुट दे रहा है। 16 वॉट के हिसाब से काफी लाउड है। छोटे मोटे पार्टीज या गेट टुगेदर भी आप काफी अच्छे से कर सकते हैं। एक छोटे से हॉल के अंदर आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो क्लैरिटी काफी सही आ रही है। ट्रिबल थोड़ा कम लग रहा है मुझे, लेकिन एक बार और प्ले करके दिखाता हूँ मैं आपको इसको। तो जैसा साउंड आपका होगा, जैसी आपकी क्वालिटी होगी, आपने जो भी MP3 प्ले में या आपके प्लेयर में टीवी में जैसा भी आउटपुट आ रहा होगा, आप इसे उस तरीके से यूज करते हैं, क्वालिटी वैसी ही आएगी साउंड की। सो गाइस हमने अब एक वोकल्स के साथ में म्यूजिक प्ले कर दिया है और आप सुन सकते हैं उसकी एक्चुअली में आवाज कितनी आ रही है, क्योंकि तो यहाँ पे वोकल्स भी आएंगे। गाइस साउंड तो बहुत ही सुपर पावरफुल आ रहा है, बहुत ही तड़ा सुनाई दे रहा है, कोई भी कमी नहीं लग रही है। बस एक ट्रिबल की कमी लग रही है मुझे, थोड़ी और ट्रिबल बढ़ जाए तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बेस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है यहाँ पे। अभी तक मेरा जो भी साउंड का एक्सपीरियंस है काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छा लग रहा है, सूदिंग लग रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप नजर डालेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर एक M का ऑप्शन है जहाँ से आप FM भी प्ले कर सकते हैं, साथ में आप प्ले और पॉज कर सकते हैं, साथ में आप यहीं से ट्रैक भी चेंज कर सकते हैं। इवन आप इसके अंदर कॉल भी रिसीव कर सकते हैं, जो कि अच्छी हाई क्वालिटी में यहाँ पे कॉल के ऊपर बात हो जाती है। और अगर आपको FM चलाना है तो आपको इसकी नीड जरूर पड़ेगी, या तो ऑक्स लगा सकते हैं या आपको फिर जो चार्जर केबल मिल रही है उसे आप यहाँ पर लगा दीजिए इजीली। और यहां लगाने के बाद मैं अब आपको इसका एक डेमो देता हूं FM का भी। तो यहां पर इसे लगाने के बाद आपको एक बार लॉन्ग प्रेस करना होगा। तो यहां पे लाइन इन के लिए आया है ऑप्शन, तो ऑक्स भी लगा सकते हैं, आपको फंक्शन दिया गया है उसको चेंज कर सकते हैं। अब रेडियो यहां पे हो गया है और आपको क्या सुनाई देगा, थोड़ी सी हमने आवाज कम कर दी है। और यहां से आप इसको स्कैन कर सकते हैं कंटिन्यू दबा के, तो यहां से स्कैन हो जाएगा और आप सुन सकते हैं। उसके बाद यहां पॉज कर सकते हैं, फिर आप इससे चेंज कर सकते हैं। ये देखिए आप आवाज़ बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू प्रेस करें तो यहाँ पर ये चेंज भी हो जाएगा आपके सामने इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यू आपको दबाना है तो चेंज हो जाता है। ये देखिए आप,
सो गाइस काफी सिंपल सोबर बनाया गया है, डिसेंट वे में है, सारे रॉकर्स वगैरह ऊपर दिए गए हैं, बटन्स ऑन ऑफ का बटन है ऊपर की तरफ देख सकते हैं और काफी प्रीमियम भी लगता है। आप इसको अंधेरे में रखेंगे काफी अच्छा लगेगा, सूदिंग लगेगा। इवन आप इसको टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, टीवी के अंदर आपके ऑक्स होना चाहिए, उसके बाद आप इस पे कनेक्ट कर दीजिए, आपको आउटपुट यहां से मिल जाएगा जो कि मुझे काफी सही लगा। और 6 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, जैसा कि आपको बताया मैंने 2000 एमएच की इसकी बैटरी है, तो 6 घंटे का आराम से आप इसको विदाउट एनी इंटरप्शन यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे हिसाब से ये बढ़िया बजट रेंज में आने वाला साउंड बार आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है अकॉर्डिंग टू द प्राइस चीज काफी अच्छी है। और यहाँ पे काफी अगर आपको म्यूजिक लाउड सुनने का शौक है तो ये स्पीकर आप ले सकते हैं। चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इसके डायमेंशन की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 38.2 लेंथ इसकी आपको देखने को मिल जाती है, इतना बड़ा लेंथ आएगा इसका, और जो साइज इसका है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है इस टाइप से। और साथ में अगर मैं वेट की बात करूँ तो 670 ग्राम्स का ये वेट है, तो काफी हल्का है, प्लास्टिक बॉडी में है तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और आप इसे कहीं रखते हैं तो ये जल्दी से हिलेगा भी नहीं, ना इसमें वाइब्रेशन के कारण ये आगे पीछे होगा, ना कोई प्रॉब्लम होगी, काफी अच्छी तरीके से ये मैनेज करता है अपने वेट के हिसाब से, स्पीकर कहीं हिलता नहीं है और साउंड जो है काफी बढ़िया आता है। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो आपको तो पता ही है क्वालिटी काफी अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस ये था आपके सामने स्काईबॉल की तरफ से आने वाला साउंड बार जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी की। तो जैसे कि मैंने बताया क्वालिटी काफी अच्छी है, पंची है, वोकल्स काफी अच्छे आ रहे हैं, बेस भी ठीक है, लेकिन क्लैरिटी थोड़ी कम है, बट ट्रिपल अगर अच्छा बढ़ जाता है इसके अंदर तो साउंड काफी अच्छा है। साथ ही में यहाँ पे लाउडनेस काफी अच्छी है, जैसे कि मैंने बताया आप छोटी मोटी पार्टीज वगैरह भी कर सकते हैं, गेट टुगेदर कर सकते हैं, उसके लिए तो ये स्पीकर बहुत ही जबरदस्त है और आप इसको साथ में टीवी पे भी लगा सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं आता है। साथ ही में इसका परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से आके इसे परचेस कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। ऐसे अमेजिंग प्रोडक्ट्स आप लोग लेकर आते रहते हैं, अनबॉक्सिंग करते रहते हैं। तब तक गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।